जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन। भारत निर्वाचन आयोग के साप्ताहिक कार्यक्रम मतदाता जंक्शन में आप सबका स्वागत प्यारा स्वीकार कीजिए नमस्कार हमारा क्यों भारती समझ गई मैं आपका इशारा प्रारंभ करें प्रोग्राम हमारा क्यों ठीक मिलाया ना वाह भारती वाह क्या बात है मुझे अच्छी तरह से याद है आपकी आशु टिप्पणी का हुनर और आपका ये हुनर मुझे तो लगता है कि बचपन से ही परवान चढ़ गया था है ना अरे अब ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने कि आप कसीदे पढ़ने लगे शुरू कीजिए बातें समय का भी सम्मान करना है हमें हाँ ठीक कह रही है भारती आप मुझे विश्वास है कि हमारे सुनने वालों ने और सभी देशवासियों ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह से मनाया होगा हाँ भाई ये भी क्या याद दिलाने या पूछने वाली बात है भारती हाँ? याद दिलाने से मुझे भी याद आया कि आज तक डाले गए अपने सभी वोट्स याद है मुझे अच्छा? और यादों में शामिल है वो मतदान भी जब मेरे दादा दादी मम्मी पापा पोलिंग बूथ पे अपने साथ ले जाते थे हाँ भारत जहाँ अपने बचपन की कई सी मीठी यादें दिमाग में रची बसी हैं, वहीं चुनावों की कई सारी प्रक्रियाएं भी पूरी तरह दिमाग में बसी हैं। कैसे पॉलिटिकल पार्टीज रैलियां निकालती थीं, छोटे छोटे सिंबल्स के बिल्ले तो मैंने कई इकट्ठे किए थे क्या बचपन था और फिर तैयार होकर पोलिंग बूथ पे जाना मालूम था वो इंक का निशान हमारे हाथ पे नहीं लगेगा क्योंकि हम तो बच्चे थे लेकिन फिर भी माँ से ये जिद करना कि मुझे भी निशान लगाना है तो वो चुपके से अपनी नेल पॉलिश से निशान लगा देती थी और हम खुश हो जाते थे ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है भारती मैं भी पापा से पूछता था उस निशान के बारे में मुझे आज तक याद है उन्होंने बताया था कि ये निशान हर वोटर की उंगली पे इनडेलिबल इंक यानी कि जल्दी से न छूटने वाली स्याही से लगाते हैं ताकि कोई भी वोटर एक ही चुनाव में दूसरी बार वोट न डाल पाए और हम महीनों तक उनकी उस उंगली के निशान को चेक करते रहते थे सुनो सुनो अरे भारत सुनो सुनो हाँ? ये ढोल पे क्या मुनादी हो रही है हाँ? कहीं कोई चुनावी रैली तो नहीं चलो ना चलो सुनते हैं हाँ चलो सभी गांव वाले सुनो आप सबको सूचित किया जाता है कल शाम 4 बजे गांव में चुनावी चाचा ने सभी को पंचायत भवन में बुलाया है आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि समय पर पहुंचिएगा सुनो 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 सभी गांव वाले सुनो अरे राम सेवक भाई क्या बात है जो चुनावी चाचा जी ने सभी गांव वालों को मीटिंग के लिए बुलाया है बदलू भैया वो तो कल ही पता चलेगा हाँ भाई चलो चलो बाकी गांव वालों को भी बता दें वैसे मुनादी वाला तो काफी जोर लगा रहा है फिर भी चलो हम भी बोल आते हैं चलो चलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आज हमने जो सभा सभी गांव वालों के लिए बुलाई है वो इसलिए क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं और हमारे कई गांव वालों के पास वोटर आई कार्ड अभी तक नहीं है कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है इसके लिए समय रहते हुए अपना वोटर आई कार्ड ठीक कराएं और अपने वोटर आई कार्ड को आधार से लिंक कराएं और जिनके वोटर आई कार्ड नहीं बने वो ज़रूरी कागजात के साथ शीघ्र आवेदन करें ऐसी ही बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आप सभी के बीच मौजूद हैं हमारी प्यारी बिटिया कल्पना जी नमस्कार आप सबको
और जैसा कि चुनावी चाचा जी ने अभी अभी बताया कि चुनाव आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि इस बार इस गांव से 100% मतदान होना चाहिए और आप सभी मतदान में हिस्सा लेकर अपने उम्मीदवार को चुन सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मतदान करने के लिए जाना एक कठिन काम है। पता नहीं कि भीड़ होगी तो इंतजाम होगा कि नहीं। कुछ लोग सोचते होंगे ना जाने कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा। क्यों भाई राम सेवक, तुमने हाथ क्यों उठाया है? कुछ पूछना चाहते हो क्या? हाँ चाचा जी, मेरे पिताजी की उम्र 80 साल है, ऐसे में वो ज्यादा देर तो खड़े रह नहीं सकते। हाँ समझ गया तुम्हारी बात राम सेवक, समझ गया। आप सब लोग भी ध्यान से सुनिए। निर्वाचन आयोग द्वारा हर मतदान बूथ पर कुछ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि किसी भी वोटर को ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर आम मतदाता। पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कक्ष ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल पर बनाए जाते हैं, जिससे वहां पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। बदलू, पिछली बार तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं हुई थी? नहीं चुनावी चाचा, हमारी माता जी के तो पाम काम ही नहीं करते, बूथ नीचे नहीं होता तो भला वो कैसे वोट डाल पाती? क्यों राम सेवक भैया? हाँ ये तो है, पिताजी भी हमारे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें तुरंत व्हील चेयर की सुविधा मिल गई थी। उनको एक स्वयं सेवक ने समय से रैंप से ले जाकर मतदान भी करा दिया था। पिताजी ने बहुत आशीर्वाद दिया था उसको। राम सेवक जी, और भीड़ के नियंत्रण के लिए ही तो मतदान केंद्रों पर वोटर्स के लिए आने और जाने के मार्ग भी अलग होते हैं, और मतदाताओं की सुविधा के लिए उन्हें सहायता देने के लिए हर मतदान केंद्र पर आपने देखा होगा एक सहायता बूथ यानी हेल्प डेस्क होती है, जहां पर तत्काल आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। हाँ मैडम जी, ये तो देखा था हम सब ने, पिछली बार हमारा ही नाम सूची में नहीं मिल रहा था, सहायता बूथ से काम आसान हो गया। भाई अपने मोबाइल पर आप सब वोटर हेल्पलाइन ऐप को तो डाउनलोड कर ही लीजिए, बहुत सारी सहायता तो आपको स्वयं का हेल्प डेस्क यानी आपका ये मोबाइल ही कर देगा। बस जरूरी ये है कि आप सब मतदान करने का संकल्प लें, बाकी सुविधाओं की बात जो है ना वो निर्वाचन आयोग संभाल लेगा। क्यों चाचा जी? हाँ जी, पीने के पानी से लेकर शौचालय तक, रैंप से लेकर स्वयं सेवक तक, सब कुछ। दिव्यांगता भी मतदान में बाधा नहीं बनेगी। दृष्टि बाधित के लिए ईवीएम पर ब्रेल लिपि का अंकन और मूक बधिरों के लिए मतदान केंद्र पर प्रशिक्षित अधिकारियों की तैनाती, और हाँ मतदान केंद्र पर दिव्यांगों और बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिए अलग से कतार। बस मतदान का मन तो बनाइए। और मतदान तो लोकतंत्र का उत्सव है, इसे सिर्फ एक कार्य नहीं समझना चाहिए, काम का काम और उत्सव का आनंद भी। क्यों बदलो भैया, क्या समझे? ठीक कहा कल्पना बहन जी आपने, इस बार हमारे गांव से सभी वोट डालने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, गांव को बनाना है नंबर वन। हम सबके अधिकार बनते हैं, हम सबके अधिकार बनते हैं, अधिकार बनते हैं, अधिकार बनते हैं। बड़े वोट जो ने खैया चुनाव करूं, चलो वही खैया चुनाव करूं। हमारे गांव से सभी लोग वोट डालने अवश्य जाएंगे। अरे वाह राम सेवक भैया, मैं भी यकीन दिलाता हूँ, बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। क्या बात है राम सेवक और बदलू, ये हुई ना बात। देखिए मतदान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हम सभी का, और निर्वाचन आयोग का सदैव ये प्रयास रहता है कि हर मतदाता को मतदान के लिए उपयुक्त सुविधा प्राप्त हो। कुल मिलाकर बात ये निकली कि एक एक मतदाता के महत्व को समझते हुए चुनाव आयोग कितनी तैयारी करता है वोटर के लिए,
ऐसे में क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम इन प्रयासों का सम्मान करें, आगे आए और बढ़ चढ़कर इस उत्सव को सेलिब्रेट करें। 5 बरस पे चुनाव होत है, जल्दी चला बहनी भैया चुनाव करो। चाचा जी एक बात तो बतानी रह गई। अरे वो क्या कल्पना बिटिया? देखिए अगले चुनाव में ना आदर्श मतदान केंद्र के चयन के लिए प्रतियोगिता भी होगी। अरे वाह। और इसके लिए गांव के युवाओं की टोली तैयार हो रही क्या है। बात कमर कस के सब के सब बहुत उत्साह में है। वाह वाह क्या बात कही तुमने कल्पना बिटिया। निर्वाचन आयोग का मतदाता जंक्शन कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपकी राय और सुझावों का हम स्वागत करेंगे। दोस्तों आप भी हमारे कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अगर आप मतदान से जुड़े किसी भी विषय पर संक्षिप्त परिचय के बाद अपनी आवाज में अपने लिखे किसी गीत कविता की 1 मिनट की रिकॉर्डिंग हमें भेज सकते हैं, हम उसका प्रसारण अपने प्रोग्राम में करेंगे। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम के लिए एक स्लोगन रिकॉर्ड करके भेजा है 7वीं और 9वीं कक्षा के छात्र छात्रा शौर्य और वंशिका ने। भारत हम अपने बचपन को याद कर रहे थे ना। तो देखो हमारे इस कार्यक्रम से इंस्पायर होकर बच्चों ने भी एंट्री भेज दी है। वाह वाह इट्स सो वेरी नॉस्टैल्जिक। चलो ना सुनते हैं। मेरा नाम शौर्य है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम वंशिका है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। हम आप सभी से अपील करते हैं कि कृपया आप सभी वोट डालने जाएं। वोट डालने जाओ सभी, अच्छा उम्मीदवार पाओ तभी। ना जाओगे तो ना पाओगे विकास सही। ये आपका हक है, कर्तव्य है, निभाओ सभी। धन्यवाद। भाई वाह कितना अच्छा स्लोगन सुनाया वंशिका और शौर्य ने, है ना भारत? बिल्कुल बहुत अच्छा था। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम से विदा लें, चलो अपने पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल के विजेता के बारे में बता दें। हाँ भाई ये एक जरूरी सेक्शन है हमारे प्रोग्राम का। तो पिछले एपिसोड में पूछा गया सवाल था नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी और इसका सही जवाब है वर्ष 2011 से। और सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं में से चुने गए एक भाग्यशाली श्रोता हैं रेनू झा सेक्टर 20 नोएडा उत्तर प्रदेश। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। और अब आपको बता दें इस एपिसोड का सवाल क्यों भारत? हाँ हाँ तो नोट कीजिए इस बार का सवाल, मतदाताओं की सुविधा के लिए साधारणतया मतदान केंद्र या बूथ को किस तल पर बनाया जाता है? सवाल दोहरा देती हूँ, मतदान केंद्र या बूथ को किस तल पर बनाया जाता है? आप अपना जवाब हमें सोमवार तक हमारे व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर भेज सकते हैं। चलते चलते एक बहुत जरूरी बात, भाई हमें बहुत से मैसेज ऐसे मिलते हैं जिनमें जवाब तो सही होता है पर सिर्फ जवाब ही होता है, नाम पता कोई विवरण नहीं। तो आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा प्रयास करके अपने जवाब के साथ पूरा विवरण मैसेज करें जिससे पुरस्कार के लिए आपके मैसेज का चयन हो सके। और भारती हाँ एक बात मैं भी कह दूं? बता दो। धन्यवाद। आप अपने जवाब भेजते रहिए दोस्तों इस बात की चिंता किए बगैर कि आपका नाम विजेता के लिए नहीं आया। विश्वास रखिए इस बार नहीं विजेता बने तो अगली बार, क्यों भारती? बिल्कुल। तो इसी बात पर अब अनुमति लेने का समय, अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय सुनना ना भूलें भारत निर्वाचन आयोग का अपना ये कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम, लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन है मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन है मतदाता जंक्शन।